वेलकम टू माय चैनल सिंपल आर्ट ऑफ कुकिंग, जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं शादियों वाला कलिया या कोरमा, जो आप कहें बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। जिस तरीके से हम शादी में जाते हैं और हमें मटन कोरमा कलिया खाने मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरह आपको लगेगा नहीं कि आपने घर पे बनाया है, ऐसा लगेगा कि शादियों में से आपके घर पे आया है। तो मेरे मेथड से एक बार जरूर इसे बना के देखिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कलिया बनाना। कलिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये मसाले तैयार करने होंगे, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। अगर आपने ये दो तरीके के मसाले कलिया या कोरमा बनाने के लिए तैयार कर लिए तो आपका कलिया कोरमा बहुत ही झटपट और जल्दी बनके तैयार होगा और बिल्कुल उसके अंदर शादियों वाला टेस्ट आएगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने घर पर बनाया है। तो ये मसाले आप देख लीजिए कि मैंने क्या क्या लिए है। यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, ये धनिया एक कटोरी भर के है, अगर आप ग्राम से बोले तो 100 ग्राम के करीब। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जीरा लिया है मैंने, 10 से 12 लौंग लिए है, 5-6 हरी इलायची ली है, दगड़ फूल लिए है यहाँ पर 2-3, इसे दगड़ फूल भी बोलते हैं, शेष फूल भी बोलते हैं, पत्थर फूल भी बोलते हैं, और 3 से 4 यहाँ पर हमने तेज पत्ता लिए है, बेलीफ लिया है। हमें क्या करना है कि सारा मसाले को तवे में या कढ़ाई पर हल्का सा भून लेना है, रोस्ट कर लेना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा भूनना है, ऐसा कि इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए और मसाले जले नहीं। आप सभी मसालों को मिक्स कर लें एक साथ और कढ़ाई गर्म करके या तवा गर्म करके उसके ऊपर लो फ्लेम पर उसे भून लें खुशबू आए तक, और बस ठंडा करके इसे पीस लें। एक बात और कि मसाले की क्वांटिटी ज्यादा है, इतना मसाला मुझे कलिया के अंदर नहीं लगेगा, लेकिन इन दोनों मसाले का यूज आप कोई भी नॉनवेज ग्रेवी की रेसिपी में कर सकते हो, चाहे वो फिश करी हो, चाहे वो चिकन करी हो, चाहे किसी भी तरीके का नॉनवेज है, वो बहुत ही टेस्टी बनता है, इसलिए मैं ज्यादा क्वांटिटी में कर रही हूँ। अगर आप सिर्फ कलिए के लिए जो भी रेसिपी बन रही है उसके लिए बना रहे हैं तो आप ये सभी चीजों की क्वांटिटी कम कर ले। इसी के साथ साथ इसे मैं धनिया का मसाला कहती हूँ। इसी के साथ साथ ये हमें डार्क वाला मसाला लगेगा, इसमें शाजीरा लिया है मैंने 2 टेबलस्पून भर के, उस कलमी ली है उसी की क्वांटिटी में, ये दो मसाले सेम क्वांटिटी में होते हैं, और हरी इलायची ली है मैंने 15, और 15 से 20 लौंग ली है। आप इस बात का याद रखिए कि आप जितनी भी क्वांटिटी ले रहे हैं तो ये दो मसाले यानी कि शाजीरा और कलमी ज्यादा लीजिए, मतलब सेम क्वांटिटी में लीजिए, और ये दोनों से कम ये सेम क्वांटिटी में लौंग और हरी इलायची लीजिए। तो हमें इसे भूनना नहीं है, इन्हें सबको हमें मिक्स करना है, और मिक्स करके हमें मिक्सर में से इसका बारीक पाउडर बना लेना है बगैर भुने हुए। तो ये हमारे कलमी शाजीरा का और ये धनिया का इस तरीके से कोरमे और कलिया के लिए मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये धनिया का मसाला है जिसमें मिक्सर में मैंने बारीक पीस लिया है, इस तरीके से पाउडर बनाना है, और उसी के साथ साथ मैंने साइड में ये वाला कलमी शाजीरा का जो मसाला है उसे भी बारीक पीस लिया है मिक्सर में से, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के गोड़म भी लिए है मैंने। इसे हमें क्या करना है, तवे पर गरम करना है तवे को, और हल्का से इसे रोस्ट कर लेना है, इसमें थोड़ी सी खुशबू आए तक का, और फिर उसके बाद ठंडा होकर इसका पाउडर बना लेना है। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मटन लिया है गोल, धोकर अच्छी तरीके से साफ करके इसे कुकर में डाल लिया है। ये हड्डी के साथ वाला है, आप चाहे तो बगैर हड्डी के साथ वाला भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। तो मैंने 4 से 5 प्याज पीस ली है मिक्सर के अंदर, बारीक काटकर मिक्सर के जार में पीस ली है। अगर आपके पास बड़ी वाली प्याज है तो आप 4 लीजिए, और छोटी है तो 5 लीजिए। उसका पेस्ट बनाकर इस तरीके से हमें पूरा ऐड करना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही नमक। नमक आप ऐसा डालिए कि हमें ये पूरा गोश्त और गोश्त के साथ की जो भी ग्रेवी बनेगी हम पूरा ये कोरमे के अंदर यूज करेंगे, तो इसके हिसाब से आप नमक ज्यादा मत डालिए, वरना जो सालन कलिया जो भी हम बना रहे कोरमा तो वो खारा हो जाएगा। नमक आप बिल्कुल भी ध्यान से डालिए। मैं यहाँ बस 1/2 टीस्पून के करीब बस यहाँ पे नमक यूज कर रही हूँ। अच्छी तरीके से सब चीजों को मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ, मिक्स हो गई सब चीजें। आप चाहे तो इसके साथ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर अलग से सालन में तो हम डालेंगे भी, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर पानी एहतियात से डालेंगे, क्योंकि जो हमने प्याज का पेस्ट डाला है इससे पानी इसके अंदर छूटेगा, तो हमें पानी ज्यादा नहीं डालना पड़ेगा। यहाँ पर बस 1/2 ग्लास के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। अब हम हाई फ्लेम पर इसकी कवर करके 1 सीटी लेंगे, और लो फ्लेम पर 10 मिनट तक का गोश्त बॉईल होने तक इसे गला लेंगे, पका लेंगे। बॉईल किया हुआ गोश्त लिया है, उबाला हुआ, पानी निकाल लिया है इसका अलग से। अदरक लहसुन का 4 टेबलस्पून पेस्ट लिया है, हरी इलायची ली है, लौंग ली है, काली मिर्च ली है, तेज पत्ता लिया है, धनिया का पाउडर 3 टीस्पून,
कलमी शाहजीरा पाउडर 2 टीस्पून और साथ ही लाल मिर्च पाउडर लेंगे टेस्ट के हिसाब से। गोडम्बी पाउडर 3 टीस्पून करके बर्तन रख लिए है और 7 से 8 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है बड़े वाले, और साथ ही सूखे मसाले डालेंगे इसके साथ खड़े जो लिए हैं मैंने, और अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तब तक कि अच्छी से खुशबू ना आ जाए। जलाना नहीं है इसे, हमें फ्राई करना है खुशबू आने तक बस। मसाले फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरीके से, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ऐसे अच्छे तरीके से भूनेंगे तब तक के कच्चेपन की खुशबू ना निकल जाए इसके अंदर से। अब इसके अंदर ऐड करेंगे उबला हुआ गोश्त, पानी नहीं ऐड करेंगे सिर्फ गोश्त। गोश्त को भी अच्छी तरीके से अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे कि अच्छी से खुशबू आ जाए उसके अंदर। और अब ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर जो हमने किया हुआ है, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे गोश्त में, भूनेंगे साथ ही 2 से 3 मिनट तक का सभी चीजों को। अब ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, मैं यहाँ 2 टीस्पून डाल रही हूँ। इसे भी अच्छी तरीके से भूनेंगे गोश्त के साथ कच्चापन निकले तक, मिर्ची की कच्चीपन की खुशबू नहीं आनी चाहिए, पकना चाहिए मिर्ची पाउडर ने। अच्छी तरीके से भून रही हूँ मैं इसे यहाँ पर, सभी मसाले अच्छी तरीके से भून जाएंगे जो रह गए होंगे। अब ऐड करेंगे गोश्त का पानी, जो ग्रेवी थी पूरी की पूरी। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है मैंने। अब साथ ही गोडम्बी का पाउडर ऐड कर देंगे जो भून कर मैंने वो करके रखा था। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक, इसे भी पका लेंगे। और अब ऐड करेंगे कलमी शाहजीरे का जो पाउडर है मसाला 2 टीस्पून। इसे भी मिक्स कर लेंगे सभी के साथ अच्छी तरीके से। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हुई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसे झाक कर पकाएंगे 5 मिनट तक के। 5 मिनट हो गए हैं, इसे मैंने खोल लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से कलिया बन के तैयार हुआ है ये। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा शादियों वाला कलिया, बिल्कुल सेम वैसी टेस्ट आता है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।